ग्लोबल एनकैप ने किया कारेंस के क्रैश टेस्ट रिजल्ट्स रिलीज कर दिए हैं। टेस्टिंग के लिए ग्लोबल एनकैप ने कारेंस के प्रेस्टीज प्लस मॉडल को सिलेक्ट किया। अब ओवरऑल स्कोर क्या है, एनकैप का क्या कहना है और कारेंस आखिरकार कितनी सेफ है, आइए जानते हैं इन जस्ट टू मिनट्स। एडल्ट ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन में कारेंस को 3-स्टार रेटिंग मिली है। मैक्सिमम 17 में से किया कारेंस को 9.3 पॉइंट्स मिले। ये स्कोर मारुति अर्टिगा के स्कोर से थोड़ा ही बेहतर है। इस स्कोर को क्रेटा या सेल्टॉस से कंपेयर करें तो यहाँ कारेंस ने बेहतर स्कोर किया है। एट द सेम टाइम हमें ये भी कहना पड़ेगा कि पंच, एल्ट्रॉज और मैग्नाइट जैसी गाड़ियों ने इस टेस्ट में बेहतर परफॉर्म किया है। किया कारेंस को साइड इम्पैक्ट के लिए भी टेस्ट किया गया और इस टेस्ट में गाड़ी ने UN95 रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल किया है। ग्लोबल एनकैप के अनुसार कारेंस की बॉडी शेल इंटेग्रिटी अनस्टेबल है और फुटवेल एरिया भी। ड्राइवर और को ड्राइवर के हेड, नेक, चेस्ट और नीज की सेफ्टी रेटिंग आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। चाइल्ड सेफ्टी के मामले में भी कारेंस को एक 3-स्टार रेटिंग ही मिली है विद एन ओवरऑल स्कोर ऑफ 30.99 आउट ऑफ 49। ये स्कोर सेल्टॉस, क्रेटा, नेक्सॉन और एल्ट्रॉस के चाइल्ड सेफ्टी रेटिंग से बेहतर है। रिजल्ट्स पर ग्लोबल एनकैप ने कहा कि उन्हें कारेंस से बेहतर परफॉर्मेंस की उम्मीद थी। किया जैसे ग्लोबल ब्रांड्स जिनके दूसरे मार्केट्स में आमतौर पर 5-स्टार सेफ्टी रेटेड कार्स होते हैं, वो इंडिया में उस लेवल तक नहीं पहुंच पा रहे। किया कारेंस के सभी वेरिएंट्स में 6 एयरबैग्स, ABS विद EBD, ऑल व्हील डिस्क ब्रेक्स के साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम और हिल असिस्ट जैसे सेफ्टी फीचर्स अवेलेबल है। हायर वेरिएंट्स में आइसोफिक्स चाइल्ड सीट माउंट्स भी मिल जाते हैं। अब ये रिजल्ट्स थोड़े सरप्राइजिंग इसलिए हैं क्योंकि कारेंस से एक बेहतर स्कोर की उम्मीद थी। किया भी इंटरनल टेस्टिंग में मिनिमम 4-स्टार रेटिंग एक्सपेक्ट कर रही थी। अब इस स्कोर पर आपकी क्या राय है, पिंड कमेंट को रिप्लाई करके मुझे जरूर बताइए। इस वीडियो के लिए इतना ही। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।